अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली दस्ता खान। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही गोश्त। ये देखिए, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का बनता है। इसमें कुछ शाही मसाले पड़ते हैं। इसकी पूरी रेसिपी देखें, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। ये इसमें कुछ शाही मसाले हम डालेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इस तरीके से आप बनाएं इसकी। ये देखिए, हमने आधा किलो गोश्त लिया है, एक चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच हमने नमक, एक चम्मच हम गरम मसाला पाउडर और दो चम्मच हम धनिया पाउडर, एक चम्मच हमने भुना जीरा लिया है पाउडर, और ये हमने आधा चम्मच काली मिर्च का लिया है, आधा ही चम्मच हम हल्दी का लेंगे, दो चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है बड़े चम्मच से, एक कप दही लेंगे। इन सारी चीज़ों को हम मिला के फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि ये सारे मसाले गोश्त में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। आप चाहें तो इसे तुरंत भी बना सकते हैं। ये हमने चार प्याज लिया है तलने के लिए, ये कुछ गर्म मसाले लिए हैं, दालचीनी लिए हैं, काली मिर्च लिए हैं, ये एक हमने बड़ी इलायची ली है, थोड़ी सी हमने जावित्री ली है, चार से पांच हम लौंग लेंगे, तीन हम हरी इलायची ले रहे हैं, आधा चम्मच हमने शाहजीरा लिया है। इन सारी चीजों को हम तेल में शामिल कर देंगे। ये देखिए, ये हमने तेल, प्याज इसी में हम तल लेंगे। हमने सारे गरम मसाले तेल में शामिल कर दिए हैं। हमने बड़े चम्मच से तीन चम्मच हमने तेल लिया है। ये हमने जो चार प्याज ली थी, इसको हमने कट करके इसका हम बरिश्ता बना लेंगे। इसे हम अच्छे से बरिश्ता बनाएंगे, इसको हम ज़्यादा काला नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा सालन काला हो जाएगा। ये हम कुछ मसाले इसे हम पीस लेंगे। हमने थोड़ी सी जायफल, दालचीनी की स्टिक ली है 2 इंच की, और हमने जावित्री ली है थोड़ी, चार से पांच हमने हरी इलायची, आठ हमने काजू, आठ नौ हम बादाम ले लेंगे। ये हमने थोड़ी सी खोपरा ले लिया है गरी, ये हम एक चम्मच बड़े चम्मच से एक चम्मच हम खरबूजे की बीज ले लेंगे। ये हम जायफल लेंगे थोड़ा सा। इन सारी चीजों को हम पीस लेंगे। ये हमने प्याज, हमारी नरिश्ता हो गई थी, अच्छे से लाल हो गई थी, उसमें हमने जो मसाले लगे हुए गोश्त है उसे हमने शामिल कर दिया है। इसे ऊपर नीचे कर लें, नहीं तो प्याज हमारी नीचे जलने लगेगी। ये हम खोपरे को कट कर लिए हैं, काजू बादाम, और हम गरम मसाले को डाल के इसे हम पीस लेंगे। इसमें थोड़ा पानी शामिल करके इसका बारीक पेस्ट बना लें। ये देखिए गोश्त, देखिए हमारा तेल छोड़ने लगा है। अब हम इसके अंदर हमने जो मसाले पीसे हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे। देखिए गोश्त का कलर कितना बेहतरीन आया है। ये हमने जो काजू बादाम का पेस्ट पीसा हुआ था गर्म मसाले का, खुशबू वाले, उसे हमने शामिल कर दिया है। इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे। गोश्त में हमने मसाले को अच्छे से मिला लें, और हम वाटी को भी खंगाल के इसमें शामिल कर दिए हैं पानी। अब हम, ये काजू बादाम है इसमें, इसलिए ये नीचे पकड़ने लगेगा। इसे हम थोड़ा सा चला के और कुकर की लीड लगा देंगे, ढक्कन लगा देंगे। हम थोड़ा टाइम इसे ढक दे रहे हैं। ये देखिए हल्का हल्का सा तेल छोड़ने लगा है। अब हम कुकर की ढक्कन लगा के इसे हम 3 सीटी कर लेंगे, 2 से 3 सीटी करें। ये देखिए हमने 3 सीटी किया है, हमारा गोश्त अच्छे से गल गया है, और काफी तेल छोड़ दिया है मसाले ने। अब हम इसे और थोड़ा सा, ये हमने गैस चालू कर दिया है, हमने
चार से पांच हरी मिर्च को कट करके शामिल कर देंगे। आपको जितना तीखा चाहिए आप वो हिसाब से मिर्ची रखिएगा। ये हमारी कम तीखी वाली मिर्ची थी, ये देखिए कितना अच्छे से तेल छोड़ दिया है गोश्त ने। इसे थोड़ा सा भून लें और ये जब गोश्त तेल छोड़ने लगे यानी हमारा गोश्त तैयार हो गया है। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें पानी बॉईल करके डाल दें। हमने इसे सूखा ही रखा है। ये हमने थोड़ी सी पुदीने की पत्ती को कट करके शामिल कर दिया है। देखिए कितने अच्छे से इसका कितना अच्छा बेहतरीन कलर आया है। इस तरीके से आप बनाएं और हमें बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और आपको शाही मटन कैसे बना। देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इसे आप जरूर बनाइएगा। हरी मिर्ची हमने लास्ट में डाली है क्योंकि पहले डालने पे इसका कलर खराब हो जाता। ये देखिए इतना बेहतरीन कलर आया है और ये देखिए कितना बेहतरीन बनके ये तैयार हुआ है। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करते हैं। आप हमें जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी और आपकी शाही मटन कैसे बना। अल्लाह हाफिज़।